तो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका एक और वीडियो। तो इस वीडियो के देखने के बाद में ना भाई, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके चैनल पे अगर व्यूज नहीं आते, ठीक है, अगर आपका अर्निंग एप्लीकेशन से रिलेटेड चैनल है, व्यूज नहीं आते तो 100% आने वाले। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वाली कैटेगरी में ना भाई, जो अर्निंग एप्लीकेशन के यूट्यूब चैनल होते हैं उनमें काफी ज्यादा अर्निंग होती है, रेफर अर्निंग अलग होती है और प्लस एडवर्टाइजिंग की मतलब मोनिटाइजेशन की अर्निंग अलग होती है, ठीक है। तो अगर आपका चैनल नहीं है तो भाई, अगर आप अर्निंग एप्लीकेशन से रिलेटेड मतलब कम्युनिटी में काम करते हो, ठीक है, तो आपका चैनल होना जरूरी है, वहां से आप काफी ज्यादा रेफर्स कर सकते हो। तो हम सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं, तो एक सेकंड भी इस वीडियो को स्किप मत करना, आगे मत बढ़ाना, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। 100% आपका चैनल ग्रो करेगा और व्यूज आने वाले, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, दो से तीन चीजें आप यहां पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो आपको इंस्टेंट कीवर्ड्स मिलने वाले, ज्यादा मेहनत नहीं लगने वाली, 2 मिनट में आपका टैग डिस्क्रिप्शन थंबनेल होने वाला है, प्लस आपको सब कुछ कैसे करना है और 6 ही टैग को इंपॉर्टेंस देना। 6 ही टैग अगर आपने लगा दिए तो 100% आपका वीडियो रैंक करने वाला है, मतलब लोगों को दिखने वाला है, ठीक है। तो मैं विद एग्जांपल आपको ये पूरा बताने वाला हूं, तो एक सेकंड भी वीडियो को आगे मत बढ़ाना। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भाई आपके वीडियो पे व्यूज कैसे आएंगे। व्यूज मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं बताऊंगा फालतू की चीजें, मैं डायरेक्टली अपने टॉपिक पे आ जाता हूं। और टॉपिक यही है कि भाई व्यूज आने के लिए आपको 3 ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहला तो कीवर्ड में आ जाता है आपका टैग डिस्क्रिप्शन थंबनेल, दूसरा आ जाता है ऑडियंस रिटेंशन, और तीसरा आ जाता है एंगेजमेंट, ठीक है। तो एंगेजमेंट कैसे करना है और ऑडियंस रिटेंशन कैसे करना है, ये आपके ऊपर मैटर करता है, ठीक है, वो तो आप कर लोगे, बट मैं आपको हेल्प करने वाला हूं कीवर्ड रिसर्च में, मतलब कीवर्ड रिसर्च करने में भी हेल्प करूंगा और कीवर्ड्स को कहां पे कौन सा कीवर्ड किस तरीके से यूज करना है वो भी बताऊंगा। तो सबसे ईजी काम है भाई पूरे यूट्यूब पे ना भाई, सबसे ईजी काम है अर्निंग एप्लीकेशन की वीडियो बनाना और उन पर व्यूज लाना, ठीक है। व्यूज लाना ईजी नहीं है, बट भाई कीवर्ड रिसर्च करना ना भाई ईजी है, अगर आप रैंक करा लेते हो एक बार और थंबनेल अच्छा बना लेते हो ना भाई, तो आपका आराम से व्यूज आने वाले, ये गारंटी मैं 100% लेता हूं, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, आपको 6 ही टैग लगाना है, मैं आपको एग्जांपल विद एग्जांपल आपको मैं बताने वाला हूं, ठीक है। मैं वीडियोस के सेक्शन में चले जाता हूं, आप मेरे चैनल की ग्रोथ देख रहे हो किस तरह की, काफी अच्छी ग्रोथ है अभी फिलहाल तो, ठीक है। तो ये वाला लकी डे का वीडियो जो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो यहां पर आपको चल जाना है। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि आपकी जो वीडियो की आइडियल लेंथ है ना भाई, आइडियल लेंथ 4, 5 या 6, ठीक है, 4, 5, 6 मिनट की आपकी होना चाहिए। अगर आपके पास में ऑडियंस है तो आप 10 मिनट की भी बना सकते हो, पर आइडियल लेंथ अगर स्टार्टिंग में भी आप स्टार्ट करते हो 4 मिनट की, ठीक है। तो ये देखो, अगर 2 मिनट से कम की वीडियो तो आपको बिल्कुल भी नहीं बनानी, क्योंकि एल्गोरिथम कैच नहीं करता और वो वीडियो को प्रमोट नहीं करता, ये रियलिटी है, फैक्ट है। आप बोलोगे भाई जिनके अगर सब्सक्राइबर है ना भाई, वो देखेंगे शॉर्ट में जाएंगी, पर भाई इसमें ज्यादा आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा एज आप अगर स्टार्टिंग में ये काम कर रहे हो, ठीक है। तो आपको वीडियोज में मैं चले जाके दिखा देता हूं भाई, देखो यहां पर मेरा चैनल देखने को मिल रहा है, आपको वीडियो पूरी देखने को मिल रही, तो मैं यहां पर लकी डे वाला वीडियो पे चले जाता हूं, ठीक है। तो आपको 6 ही टैग के बारे में आपको बताने वाला हूं, ठीक है। सपोज आप पहले तो ये एक बात समझ लो, आप अगर वीडियो बना ले, सपोज कि आप वीडियो बना लो, एप्लीकेशन का नाम है XYZ, ठीक है, XYZ एप्लीकेशन है, तो आपको वहां पे क्या देखने को मिलेगा, आपको मैं कीवर्ड रिसर्च के लिए आपको एक टूल बता देता हूं, ठीक है। उसका नाम है रैपिड टैक्स, मैं उस बात पे भी आऊंगा अपना जो मैं बोल रहा था अभी, ठीक है, रैपिड टैक्स टैक्स जनरेटर, ठीक है, इस पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो ठीक है। तो XYZ एप्लीकेशन है, देखो सुन लो, XYZ ये वाला मैं आप इस पर भी आऊंगा, XYZ एप्लीकेशन है, तो वहां पर सिर्फ 2 ही टैग ज्यादा चलते हैं, मतलब लोग ज्यादा सर्च क्या करते हैं, XYZ एप्लीकेशन पेमेंट प्रूफ, XYZ ऐप पेमेंट प्रूफ, समझो वहां पे लकी डे हो सकता है या फिर पीटीएम ऐप पेमेंट प्रूफ सर्च करेंगे, ठीक है। तो लकी मतलब XYZ ऐप पेमेंट प्रूफ, ठीक है, दूसरा कीवर्ड उसमें आ जाता है XYZ ऐप से पैसे कैसे कमाए, और तीसरा कीवर्ड आ जाता है XYZ एप्लीकेशन अनलिमिटेड ट्रिक, ठीक है, ऐप अनलिमिटेड ट्रिक, ये 3 ही कीवर्ड आपके रैंक करने वाले हैं, ठीक है। और आपको चौथा कीवर्ड आपके वीडियो में लेके आना है, उसको लिखना कैसे मैं वो भी आपको बता देता हूँ, पर यहाँ पर चौथा कीवर्ड आपका आ जाता है बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग ऐप, ठीक है, और मोबाइल से पैसे कैसे कमाए। ये आप अगर 5 मतलब मैंने जितने बताया अभी 6 बताया, टोटल 5 बताया, ठीक है, और आपके साथ में उसके साथ में भी आप 1-2 टैग एक्स्ट्रा के ले सकते हो भाई, लेकिन ये 6 टैग 5 टैग ना भाई इंपॉर्टेंट है, आपको उसको कैसे लिखना है मैं आपको बता देता हूं। समझो आप XYZ एप्लीकेशन पे वीडियो बना रहे हो, तो मैं यहां पे एडिट में चले जाता हूं, ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ा अट्रैक्टिव लगी इसलिए बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग ऐप लकी डे, ठीक है, ये पहला आ गया बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग ऐप वाला कीवर्ड आ गया, ठीक है। दूसरा कीवर्ड आपका आ जाएगा लकी डे ऐप पेमेंट प्रूफ, मतलब मैंने जो बोला था XYZ ऐप पेमेंट प्रूफ, ठीक है, और तीसरा कीवर्ड मैंने लगा दिया लकी डे ऐप से पैसे कैसे कमाए, 1K के ऊपर इसके व्यूज आ चुके हैं। तो भाई ये जो सेम चीज़ जो देखोगे आपको टैग में लगभग 3 कीवर्ड लिखना है वो, ठीक है, और उनको ही कॉपी करके यहाँ पे लाइन बाय लाइन आपको यहाँ पे ले देना है, फिर उसके बाद में आपको अपना ये दे देना है लिंक, ठीक है, टैग पे मैं बाद में आऊंगा, उसके बाद में आपको सर्च क्या कर देना, देखो यहां पे चले जाना है आपको और यहां पे लिख देना है
रैपिड टैक्स में, ठीक है, आपको यहाँ पे कीवर्ड लकी डे ऐप, ठीक है, और यहाँ पे आपको समझो एक्स वाई जेड ऐप, मतलब जो कोई भी ऐप फॉर एग्जांपल आप उसे यूज़ कर रहे हो ना भाई, वो चीज़ आपको सर्च कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इतने टैक्स देखने को मिल जाएंगे, तो आपको सिंपली क्या कर लेना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर लोगे, यहाँ पे कॉपीड हो जाएगा, सभी सारे टैग कॉपीड हो जाएंगे। फिर आपको यहाँ पे चले जाना है और यहाँ पे आपको सिंपली यूअर क्वेरीज लिख के पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो आप पेस्ट करोगे ना भाई, देखो पेस्ट करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपको यूअर क्वेरीज लिख लेना है ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे आप जैसे ही पेस्ट करोगे, पेस्ट कर दिया तो आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। तो आपको एक कॉमा हटा के लाइन बाय लाइन उसको नीचे नीचे ला देना है, जैसे मैं आपको ऊपर देखने को मिलेगा, आपको उसमें मैंने कर दिया वैसे उस तरीके से आपको करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो जितने भी टैग आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, आपने आपके डिस्क्रिप्शन में जितने भी टैग है ना भाई, सबसे पहले आपको टाइटल के टैग लिख देना वन बाय वन, ठीक है। पेमेंट प्रूफ, लकी डे ऐप, बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग ऐप, ठीक है, ये पांचों के पांचों टैग आपको लिख लेना है। फिर एक्स्ट्रा के टैग, जैसे जो वाला टैग का इंपॉर्टेंस ज्यादा है ना भाई, वो टैग ऊपर आ जाएगा आपको ऑटोमेटिक, आप रैपिड टैग से करते हो तो, ठीक है। तो आपको जहां तक 5-6 से 10 तक टैग इस तरीके से लिख लेना है और आपको इसको सेव कर लेना है, ठीक है। और थंबनेल अच्छा खासा बना लेना, 100% आपके व्यूज आने वाले हैं। और आपको टैग जनरेटर के लिए भाई ये वाला यूज कर सकते हो, बेस्ट टैग कौन सा है वो ऊपर आ जाएगा आपको लकी डे ऐप से रिलेटेड, मतलब कोई भी एक्स वाई जेड एप्लीकेशन पे आप वीडियो बनाते हो। तो इस तरीके से आप अपने चैनल को 100% ग्रो कर सकते हो, जेन्युइन ट्रिक है भाई। देखो इसके अलावा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऑडियंस रिटेंशन कैसा रखते हो और अपना थंबनेल कैसा बनाते हो, उस क्वालिटी के ऊपर भी आपका डिपेंड करेगा। और आपने ये सब चीजें सही कर ली तो भाई आपका चैनल 100% ग्रो होने वाला है। तो चैनल पे नए हो भाई तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक के बटन को क्लिक कर दो, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बेल आइकन अगर आप क्लिक कर दोगे तो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।